आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे सूचीबद्ध प्रदेश में अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं और जो राज्य अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, वो तो पैनल में हैं ही सारे। उसके अलावा प्राइवेट अस्पताल को सूचीबद्ध किया जाता है और वहां जाके उस कार्ड के द्वारा वो कैशलेस और फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं जिनके पास भी वो कार्ड है और या जो उस कार्ड के लिए एलिजिबल है, जिनका हमारे प्रदेश के डेटाबेस में नाम है कि उनको कार्ड बनना चाहिए। कई बार उनका कार्ड उस पॉइंट तक नहीं बन पाता जब इलाज की जरूरत होती है, तो वहाँ अस्पताल में चेक कराया जाता है कि वो एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है तो अस्पताल में ही उनके जो ऑफिस के जो लोग हैं, जिनको हम आरोग्य मित्र कहते हैं, वो उनका कार्ड डेटाबेस से चेक करके हमसे ऑनलाइन अप्रूवल लेके कार्ड बना देते हैं। तो वो जो कार्ड है वो आयुष्मान कार्ड है, वो प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति का एक कार्ड है और एक परिवार से लिंक्ड है वो, क्योंकि हम परिवार फैमिली यूनिट्स के हिसाब से ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये जो आयुष्मान कार्ड है, इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ पर जाके और किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? कोई भी व्यक्ति ये समझता है कि वो एलिजिबल है कार्ड के लिए और हमारे पास जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जगह जगह जो फैले हैं, जो आधार कार्ड का और बिल्स का काम करते हैं, तो वहाँ हमने अपना डेटाबेस शेयर कर रखा है और उनको ऑथराइज कर रखा है कि वो उनका कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद जो सरकारी कुछ पॉइंट्स हैं, महकमे हैं, तहसील है ना, ट्रेजरी ऑफिसेज हैं, वहाँ पर भी हमने बना रखे हैं और कई बार हम मिशन मोड में कुछ एजेंसीज को भी हायर करते हैं अलग से और कई बार हम पटवारी लेवल पे भी हम उनके सुपरविजन में भी करवाते हैं एज ए कैंप। तो कार्ड्स के लिए जो जरूरी है उसका राशन कार्ड होना चाहिए। अगर उसका राशन कार्ड है, राशन कार्ड के NFS डेटाबेस में उसका नाम है, तो एक तो ये अनिवार्य है। दूसरा KYC के लिए उसका आधार कार्ड भी हो सकता है और आधार कार्ड के अलावा कोई भी सरकारी इश्यू कार्ड भी हो सकता है जिनके पास आधार नहीं है। तो ये दो चीज जरूरी होती है। डेटाबेस पे वो चेक करते हैं, उनका फोटो वगैरह लेके, बायोमेट्रिक्स लेके और कार्ड उनको प्रिंट करके दे देते हैं। आज की तारीख में कार्ड की जो प्रक्रिया है वो फ्री है, हर एक का कार्ड बनना फ्री है। तो ये आयुष्मान कार्ड से लाभार्थी को किस तरह का लाभ ट्रीटमेंट के दौरान मिलता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा कीजिए। ये जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड, इसमें जो भी इलाज भर्ती होके किया जाता है ये सारा कवर्ड है और इसमें जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है उन्होंने पूरी गाइडलाइंस एंड पैकेजेस बनाए हैं और करीब 1800 के करीब ऐसे इलाज हैं जो इसमें कैशलेस एंड फ्री कवर्ड है, जिसमें सारी स्पेशलिटीज का है। इसके हार्ट के ट्रीटमेंट है, न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट है, कैंसर के ट्रीटमेंट है, किडनी के ट्रीटमेंट है, ICU के ट्रीटमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी, कार्डिक इमरजेंसी, सारी चीजें इसमें कवर्ड है और हर ट्रीटमेंट के आगे एक रेट डिसाइड कर रखा है कि वो अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो अस्पताल को वो रेट मिलेगा। तो जब एक व्यक्ति कार्ड लेके अस्पताल जाता है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, तो वहाँ पे जो आरोग्य मित्र है, जिसको हमने डेटाबेस दे रखा है, वो उसका रजिस्ट्रेशन करेगा, चेक करेगा कि उसका कार्ड वैलिड है या नहीं। अगर उसका डेटाबेस में नाम है और किसी वजह से उसके पास कार्ड नहीं है, तो वो हमसे अप्रूवल लेके ऑनलाइन कार्ड बना सकता है। हमारा जो TPA है, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी कहते हैं, वो 24 घंटे काम करती है। उनके पास अपने सेट ऑफ डॉक्टर्स हैं जो प्री ऑथराइज करते हैं, जो क्लेम्स को वेरीफाई करते हैं और अस्पताल का भुगतान जो है उनके क्लेम्स के हिसाब से, इलाज के हिसाब से एक बार क्लेम वेरीफाई करके कि ये संतुष्टि कर ली जाती है कि हाँ, जो पैकेज लिया था अस्पताल ने उस हिसाब से पेशेंट का इलाज हुआ है, उसको पेमेंट हो जाता है, पेशेंट घर चला जाता है। बहुत से लोग आज की तारीख में जागरूक हैं कि फिर भी कई बार जो दूर दराज से लोग आते हैं, जो उतने जागरूक नहीं होते, तो कई बार वो समझ ही नहीं पाते कि ये अस्पताल में फैसिलिटीज आयुष्मान की है या नहीं है। तो हमने सब अस्पतालों में ये सुनिश्चित किया है कि वहाँ पे उनके रिसेप्शन, इमरजेंसी और मेन गेट एरियाज में होर्डिंग लगी है जिसपे लिखा हुआ है कि यहाँ अस्पताल आयुष्मान के साथ सूचीबद्ध है और यहाँ पे सब फ्री ट्रीटमेंट होता है और इन इन स्पेशलिटीज में ट्रीटमेंट कराया जाता है और यहाँ किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी जानकारी उस पर लिखी रहती है और कहीं पर ऐसी संज्ञान में कोई ऐसी बात आती है तो हम तुरंत एक्ट करके पेशेंट का पैसा भी वापस करा देते हैं। अस्पताल अगर मनमानी करता है तो उस पर एक्शन भी लिया जाता है। आनंद जी, अंत में आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि ये योजना जो लॉन्च हुई है केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार इसको संचालित कर रही है और भी इसमें फैसिलिटीज बढ़ा के बढ़ चढ़ के सारे लोगों को कवर देते हुए कर रही है। आप किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाएं, वहां की सारी स्पेशलिटीज का ट्रीटमेंट आपके लिए मान्य है और वो आपसे कोई पैसा नहीं ले सकते। अगर कोई पैसा मांगे या आनाकानी करें या ट्रीटमेंट शुरू करने में दिक्कत आए
तो आप टोल फ्री नंबर पे तुरंत अपनी शिकायत कर सकते हैं और हमारी जो टीम के लोग हैं वो तुरंत अस्पताल से बात करके आपके लिए जो ट्रीटमेंट सुलभ कराएंगे। टोल फ्री नंबर क्या है सर, अगर कोई शिकायत दर्ज करना चाहे या किसी तरह की जानकारी चाहे तो? हाँ, हमारे जो टोल फ्री नंबर है 1800 180 5368। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 1800 180 5368। इस टोल फ्री नंबर से उत्तराखंड के बाहर से भी ये नंबर पे कर सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर से भी कर सकते हैं। एक नंबर उत्तराखंड के अंदर से अगर करना है, राज्य के अंदर अंदर करना है, 155368, तो ये 6 डिजिट का नंबर है। ये उत्तराखंड के किसी भी एरिया से ये नंबर हो सकता है और जो 1800 180 5368 है वो पूरे भारत वर्ष में इंक्लूडिंग उत्तराखंड कहीं से भी आप कर सकते हैं।